कौन बोलता है इलेक्ट्रिक स्कूटर आईसी इंजन बेस्ड स्कूटर, मतलब पेट्रोल स्कूटर जैसा परफॉर्म नहीं कर सकता? ऑलरेडी एथर ने बोले तो ओला ने भी, बजाज ने, टीवीएस ने, ये प्रूव कर दिया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर भी पेट्रोल स्कूटर जैसा तबाही मचा सकता है। आपने थंबनेल देखा होगा, एक्चुअली तबाही हो रही है। अभी एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो रहा है जो 300 किलोमीटर की रेंज देगा। ये देखो, सिंपल वन की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल वन तो 15 अगस्त 2021 से बात कर रहा है कि जबरदस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है, बट रास्ते पे अभी तक दिखा नहीं है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं 2022 का नया मॉडल हॉर्विन SK3 का। अभी ये सुनने को भी नया लग रहा है, अभी अभी ये लॉन्च हुआ है चाइना और यूरोप में, और जल्द ही ये इंडिया में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस, ये वीडियो जरूर देखना एंड तक, पूरे डिटेल्स, फीचर, स्पेसिफिकेशन शेयर करने वाला हूं मैं हॉर्विन SK3 के। बहुत ही जबरदस्त तबाही मचने वाला ये स्कूटर है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, क्योंकि ऐसे इंस्टेंट और जेन्युइन अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरुआत करते हैं। यस दोस्तों, तो एक्चुअली तबाही मचाने आ गया है हॉर्विन SK3 का 2022 का मॉडल। इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है 72 वोल्ट 36 एच। अभी 72 वोल्ट 36 एच मतलब क्या, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके किलोवाट आवर कैसे कैलकुलेट करना है वो दिखाने वाला हूं। तो अभी मैं कैलकुलेटर शुरू कर रहा हूं मेरे मोबाइल के ऊपर, तो ये मैं खोल चुका हूं कैलकुलेटर। अभी यहां पे मैं टाइप कर रहा हूं 72 वोल्ट × 36 एच, तो मिल जाता है 2592, मतलब 2592 वैट आवर। इसका मतलब क्या हुआ, 2.592 किलोवाट आवर, मतलब इसका जो एक बैटरी है, सिंगल बैटरी, वो 2.592 किलोवाट आवर का होने वाला है। ऐसे दो बैटरीज है इसमें, तो सोचिए मतलब 5 किलोवाट आवर का टोटल इसका बैटरी पैक होगा। 5 किलोवाट आवर मतलब 5 यूनिट में कंज्यूम करेगा, और ये 5 यूनिट कंज्यूम करके ये आपको कितना लेके जाएगा गाइज, 300 किलोमीटर की रेंज दी इसको। ड्यूएल बैटरी है इसका, बोला जा रहा है कि एक बैटरी 160 किलोमीटर की रेंज देती है, तो ड्यूएल बैटरी मिनिमम 300 किलोमीटर की रेंज देगी। तो बहुत ही तगड़ा इसका बैटरी होगा, और इसका जो बैटरी है ये LFP केमिस्ट्री के साथ आता है, मोस्टली लिथियम फेरोफॉस्फेट। आगे जाके बात करें गाइस इसके मोटर की, ऑफ कोर्स इसमें AC मोटर होगा, जिसको हम PMSM मोटर बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, जिसका रेटिंग देखिए नॉमिनल पावर 3.1 किलोवाट और पिक पावर 6.3 किलोवाट। बहुत ही तगड़ा इसका मोटर है, और ये जो मोटर है ये 200 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। गाइस 200 न्यूटन मीटर मतलब ये एक्चुअली तबाही हो रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर में, ये कभी देखने को मैंने नहीं मिला था। फिर से बोल रहा हूं, 300 किलोमीटर का रेंज, 200 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क, डिटैचेबल ड्यूएल बैटरी का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बैटरी हो 2.592 किलोवाट आवर की, मतलब ड्यूएल बैटरी बन गई 5 किलोवाट आवर की। और इन्होंने इससे पहले एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया था 2021 में, उसका नाम सेम था बट वो 80 किलोमीटर रेंज के साथ आता था। जैसे अभी बोला जा रहा है कि एथर उनकी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाला है जो एक्सटेंडेड रेंज की होगी। अभी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है एथर की, वो 85 km/h तक का, 85 किलोमीटर तक का आपको रेंज देती है, बट जो एक्सटेंडेड रेंज वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी एथर की, वो करीबन आपको 100 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज दे देगी। और उसका लॉन्चिंग बोले जा रहा है कि एंड ऑफ 2022 या इन द बिगिनिंग ऑफ 2023 होगा। तो ये अगर उससे पहले आ जाता है तो ओला एथर सबको भूल जा, हॉर्विन SK3 को अपनाओ, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त है। आगे जाके देखे टॉप स्पीड गाइज, 90 km/h का टॉप स्पीड देखो जरा, 90 km/h, और इसका जो व्हील है 14 इंच का एलॉय व्हील होगा, बहुत ही जबरदस्त है। तो इसमें एड ऑन फीचर्स क्या होंगे, TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले होगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगी, क्रूज कंट्रोल होगा, ट्विन बिम LED आगे इसके हेडलैम्प से, बहुत ही मस्कुलर डिजाइन वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और इसके साथ में इसमें लार्ज विंड स्क्रीन मिल जाता है, जैसा विंड स्क्रीन हमें एवेंजर को देखने को मिलता है, उतना बड़ा नहीं बट एटलीस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में कभी देखने को नहीं मिला था, वैसा एक ने इसमें दिखता है हॉर्विन SK3 में। और ये अभी चाइना और यूरोप में लॉन्च हो चुका है, तो इसकी हम राह देखेंगे कि कभी इंडिया में लॉन्च होता है। गाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल को कम मत आंकना,
125 सीसी के पेट्रोल इक्विवेलेंट जैसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।